अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो मेरे उन व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको एक्नी का बहुत प्रॉब्लम है और उन्हें एक्नी मार्क्स भी हैं। तो बाकी सब भी ये वीडियो ज़रूर देखें एज अ इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकें और दूसरों को एज अ इन्फॉर्मेशन बता सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। हम आज बात करेंगे एक्नी क्लियर फेस वॉश और प्रिवेक्सिल क्रीम के बारे में। तो गाइस, एक्नी क्लियर फेस वॉश मिस्टिन का फेस वॉश है। ये क्लेम करते हैं कि ये ऑयल कंट्रोल करता है, हाईली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, सूटेबल फॉर एक्नी स्कार, और स्पेशल जो है ये मेड किया गया है वो है एक्नी के लिए। तो ऑब्वियसली जो इसकी पैकेजिंग है बहुत ही कमाल की है, मतलब इट्स मेडिकेटेड प्रोडक्ट बट नॉट रिटन, इस पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन लुक लाइक्स मेडिकेटेड प्रोडक्ट। और अगर इसे देखा जाए, इसकी पैकेजिंग बहुत कमाल की है। इसका जो लिड है वो ब्लू में है, फ्लिप लिड है, और इसकी स्मेल जो है बहुत ही कमाल की है, यानी कि इसकी स्मेल बहुत ही बहुत बहुत अच्छी है, लाइक बेरी और स्ट्रॉबेरी टाइप। तो ये है इसका इंट्रो। और इसमें जो है इसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइव जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं वो हैं इसमें एक्सेंट, ट्री ट्री ऑयल, सेंट्रेला एसियट एक्सट्रैक्ट और विच हेजल है इसमें। ये चार से पांच इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि प्रिवेक्सिल क्रीम। प्रिवेक्सिल क्रीम जो है स्पेशली एक्नी के लिए है, जबकि एक्नी क्लियर फेस वो जो था वो एक्नी के लिए और एक्नी स्कार्स के लिए भी था। तो प्रिवेक्सिल ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्नी के लिए, यानी कि जिनको एक्नी है वो इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते। इसमें एक ही बहुत इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इसका, वो है बेनजोइल परोक्साइड, BP4% है इसमें, जो बहुत ज़्यादा एक्नी के लिए बेस्ट है। और जो बेनजोइल परोक्साइड है ये एंटी बैक्टीरियल और माइल्ड पीलिंग एजेंट है, जो सिर्फ एक्नी के पे ही बहुत ज़्यादा अटैक्ट करते हैं। आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो इट्स लाइक मेडिकेटेड प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, और इट्स ट्यूब में है, और ये ट्यूब इसका बहुत अच्छा है, और इसका कैप जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसे हम यूज़ किस तरह से करेंगे, हमने इसे फेस वॉश करके हैंड वॉश कर लेंगे, और देन इसे, इसकी एप्लीकेशन बहुत लाइट है, ये कोई चिपी सा और ठीक नहीं लगता, बहुत लाइट में है। आप इसे डे में नाइट में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने इसे सिर्फ एक्नी जहाँ पे है उसी एरिया पे लगाना है, पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक्नी पे ही इफ़ेक्ट करता है, अदरवाइज़ कलर गोरा ये वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको बहुत ही इफ़ेक्ट करे। मैं खुद एक्नी क्लियर का फेस वॉश जो है 3 से 4 साल यूज़ करती रही हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, बट मेरे भाई को एक्नी हो रहा था तो मैंने उसे ये दो प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए दोबारा से, और उसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और इसमें एक जो है हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें इसके बहुत से इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और इसके जो हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसके एप्लीकेशन का बताया है, जो मैंने आपको सिंपली वर्ड में बता दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। और आप इसका ये पंफलेट देख सकते हैं, ऑब्वियसली जैसे सबका होता है क्रीम का, मेडिकेटेड क्रीम्स का, वैसे इसका भी है। और इसका कुछ आपको ये है कि हमें इसे आईज़, क्लॉथ या किसी हेयर्स वगैरह में नहीं लगाना, क्योंकि इससे इनको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, तो आप सिर्फ इसे फेस पे और एक्नी पे ही लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये दोनों प्रोडक्ट्स आप चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 वीक में ही रिज़ल्ट अच्छे से मिलेंगे, अगर आपको बहुत सवेर एक्नी है तो। अगर आपको 1-2 एक्नी है तो आपको 1 दिन में ही पता चल जाएगा। तो ये जो है एक्नी स्कार्स, दोनों प्रोडक्ट आपके एक्नी ख़त्म करेंगे और एक्नी स्कार्स को भी रिमूव करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर।